Assalamualaikum viewers, today is 11th lecture of Qanoon Shahadat Order और आज का टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ ताकि आपको भी आसानी हो डाइंग डिक्लेरेशन के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 46 क्लॉज 1 कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विथ डाइंग डिक्लेरेशन। जनरल प्रेजम्पशन इज दैट डाइंग पर्संस यूजुअली स्पीक ट्रुथ एंड आल्सो एंशिएंट प्रिंसिपल इज नो वन ऑन पॉइंट ऑफ डेथ शुड बी प्रेजम्प्ट टू बी लाइंग। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है कि किसी इंसान का मरते वक्त बयान देना। आम तस्वीर किया जाता है कि मरने वाला आम तौर पर सच बोलता है और ये भी कदीम असूल है कि मौत के वक्त किसी को झूठा ना समझा जाए। इसके रेलिवेंट आर्टिकल हैं आर्टिकल 46 क्लॉज 1 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। मीनिंग डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट बाय दैट पर्संस हु बिलीव दैट death is imminent, especially when such statement relates to cause of circumstances of such person's impending death. Dying declaration का मतलब उस शख्स का बयान है जो यकीन रखता है कि वो मरने वाला है। ख़ास तौर पर ऐसा बयान इस शख्स की इस मरने की हालत तक पहुँचने से मुतालिक होता है कि उसको मानने का कौन जिम्मेदार है। डेफिनेशन। स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही नियर टू डाई बाय सम इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम बाय सम पर्संस। किसी ऐसे शख्स का बयान जो ये समझता हो कि वो कुछ लोगों की तरफ से लगाई गई चोटों से मरने के करीब है। फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अ डाइंग डिक्लेरेशन मे बी मेड इन फॉलोइंग फॉर्म: रिटन, ओरल, बाय सिग्नल्स, साइन एंड जेस्चर्स। मरने वाले शख्स का बयान इन फॉर्म में हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है और वो साइन या जेस्चर या इशारतन बता सकता है। Person who may record it. Following are the persons record the dying declarations. First, who can record the statement? Anyone can the record declaration by the person likely to be die. कोई भी शख्स उस मरने वाले शख्स का बयान रिकॉर्ड कर सकता है जो मरते वक्त उसके साथ हो। सेकंड, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट। अ मैजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। एक मैजिस्ट्रेट भी मरते हुए शख्स का बयान रिकॉर्ड कर सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत। Recording by police officer according to section 41 clause 1 of Qanoon Shahadat Order 1984, police officer record the statement during the court of investigation and police officer record statement admissible in evidence with satisfaction of the court. Qanoon Shahadat Order ke section 41 ke mutabik police officer bayan record kar sakta hai during investigation. उस रिकॉर्डेड बयान को एडमिसेबल इन एविडेंस माना जाएगा कोर्ट के सेटिस्फेक्शन से। फोर्थ है रिकॉर्डिंग बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ओनली रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर ही इज फर्म दैट डिक्लेरेंट इज लाइकली टू बी डाई। डॉक्टर भी मरने वाले शख्स का बयान रिकॉर्ड कर सकता है जब उसे ये यकीन हो जाए कि मरने वाले शख्स के पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो इंतज़ार करे पुलिस का या मैजिस्ट्रेट का कि वो आकर उसका बयान रिकॉर्ड करे या कोई और आकर बयान रिकॉर्ड करे, तो इसके पास टाइम नहीं रहा है, तो इसलिए डॉक्टर इस सूरत में इसका बयान रिकॉर्ड कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इस्लामिक लॉ। डाइंग डिक्लेरेशन हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन इस्लामिक लॉ। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल इन इस्लामिक फिका।
इस्लामी कानून के तहत मरने वाले के बयान की बहुत अहमियत है। ये इस्लामी फिक्का में तस्लीम शुदा असूल है। एसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। फर्स्ट, वॉलंटरली द स्टेटमेंट ऑफ अ रिकॉर्ड मस्ट बी ट्रू एंड वॉलंटरली एंड मेड विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और विल इल। डाइंग डिक्लेरेशन का फर्स्ट एसेंशियल है वॉलंटरली। मरने वाले का बयान सच्चा होना चाहिए, उसकी रजामंदी से होना चाहिए, विदाउट इन्फ्लुएंस और इल विल के होना चाहिए, यानी कि बुरी ख्वाहिश के बगैर होना चाहिए। Satisfaction of court. It is a most important essential. The court easily decided that the declarant mind fit when record a statement and he had a clear opportunity to observe and identify his assailant. कोर्ट की सेटिस्फेक्शन एक अहम असेंशियल है। कोर्ट तभी सेटिस्फाइड हो सकती है जब कोर्ट को लगे कि जो डिक्लेरेंट है उसका माइंड फिट है, जब वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा था और वो क्लियर था कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया है उस हमलावर को जिसने उस पर हमला किया था। आगे है कॉम्पिटेंसी। अ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी डेट ऑफ अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस। द चाइल्ड और टेंडर एज इज नॉट एडमिसेबल। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट हो टेस्टिफाई के लिए। एक चाइल्ड और टेंडर एज का बयान एडमिसेबल नहीं होगा। स्टेटमेंट के एडमिसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। कट एंड शॉर्ट स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा। स्टेटमेंट मस्ट बी कॉज टू डेथ। अ डाइंग डिक्लेरेशन विल नॉट बी एडमिसिबल अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट द डेथ ऑफ द डिक्लेरेशन वाज कॉज्ड। मरने वाले का बयान तब तक एडमिसिबल नहीं होगा जब तक ये प्रूफ ना हो जाए उस बयान देने वाले की मौत वाकई हो चुकी है। अगला असेंशियल है डेथ ऑफ डिक्लेरेंट बिफोर द स्टेटमेंट इज एडमिटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द पर्सन हु मेड इट इज डाइड। इसी बयान को डाइंग डिक्लेरेशन के बयान के तौर पर तस्लीम करने से पहले ये साबित करना ज़रूरी है कि वो शख्स जिसने ये बयान दिया है वो मर गया हो। डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिट होता है जब उस शख्स की मौत वाकया हो चुकी हो। अगर उस शख्स की मौत नहीं हुई तो वो खुद आकर कोर्ट में विटनेस के तौर पर पेश हो सकता है। नेक्स्ट है एडमिटेड इन केस इन विच क्वेश्चन ऑफ डेथ अराइजेस डाइंग डिक्लेरेशन कुड बी एडमिटेड इन एविडेंस। इन दोज केसेस ओनली इन विच द कॉजेस ऑफ द डिक्लेरेंट्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। जब किसी इंसान की डेथ पर सवाल उठाए जाएं कि ये किस सरकमस्टेंस में और क्यों ये डेथ वाकया हुई, तो उन्हीं शख्स की डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट काबिल कबूल होगी। जो अल्लाह की तरफ से डेथ आ जाती है बंदे को, उस बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। Evidentiary value of dying declaration. It's substantive piece of evidence and are often used against the accused when there's nothing to suggest that disease has substituted an innocent person in place of real culprit. Thus, dying declaration, while intentionally furnished under a grave scene of imminent death and under a situation in which deceased isn't likely to be wrong, be worthy of great weight. But dying declaration, which is incomplete and partly touched up by interested parties, can't be relied upon.
डाइंग डिक्लेरेशन एक ठोस सबूत है और अक्सर मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मरने वाले ने किसी मुजरिम की जगह किसी बेगुनाह के खिलाफ बयान दिया होगा। इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन तभी रिकॉर्ड की जाती है जब बंदा मरने के बहुत करीब हो। ऐसी सूरत हालत में वो मरने वाला बंदा इम्कान है कि गलत नहीं हो सकता। इसका बयान बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन अगर मरने वाले का बयान नामुकम्मल है या किसी पार्टी के इंटरेस्ट के टचअप में हो तो वो रिलाइड अपॉन नहीं होगा, काबिले कबूल नहीं होगा। कन्वेंशन ऑन डाइंग डिक्लेरेशन एंड एडमिटेड प्रिंसिपल इज दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी बेसिस ऑफ कन्विक्शन वेन इट हैज़ नॉट ओनली बीन ड्यूली प्रूव्ड बट हैज़ आल्सो हैज़ बीन एडमिटेड इन एविडेंस फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल फॉलोइंग द पॉइंट्स। ये एक तस्लीम शुदा असूल है कि मरने वाले का बयान निर्भर होता है कन्विक्शन पर। जब बयान देने वाले ने अपने बयान को ड्यूली प्रूव्ड कर दिया हो और उसका बयान एविडेंस में भी एडमिट हो सकता है। आगे दिए गए पॉइंट्स में इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन किन शराइत पर एडमिसिबल होता है। Essential conditions: dying declaration can be basis of conviction when it has fulfilled all essential conditions. मरने वाले का बयान तभी conviction की base बन सकता है जब उसके सारे essential को fulfilled किया गया हो। Complete: dying declaration can be basis of conviction if it is complete. It means that incomplete dying declaration cannot be basis of conviction. Reason is that incomplete dying declaration never reveals what deceased declaration intended to further state in his dying declaration. मरने वाले का बयान मुकम्मल होना चाहिए, ना मुकम्मल बयान एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या पता मरने वाला आगे अपने बयान में क्या कहने वाला था। True and genuine. When dying declaration is true and genuine declaration, it can be basis of conviction. In fact, conviction can be awarded on basis of dying declaration when dying declaration does not suffer any infirmity. मरने वाले का बयान सच्चा और हकीकी होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चलकर किसी की कन्विक्शन का बुनियाद बन सकता है। Interested parties. If interested parties improves dying declaration, such dying declaration cannot be made basis of conviction. मरने वाले के बयान के पीछे किसी पार्टी का अगर इंटरेस्ट शामिल हो तो वो भी बयान काबिले कबूल नहीं होगा। How it is proved? A dying declaration is admissible whether it has been reduced to writing or not. मरने वाले का बयान काबिले कबूल होगा चाहे उसे तहरीरी सूरत में लिखा गया हो या नहीं। It has been recorded by a magistrate who is not a committing magistrate. It must be proved by calling the magistrate as a witness. If it has been recorded by the magistrate in the presence of the accused under section 164 and 364 of criminal procedure code, there arises no necessity of producing evidence to prove it. डाइंग डिक्लेरेशन इट इज़ प्रूव्ड अगर वो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है या मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करता, वो ज़रूर प्रूफ होगा अगर मैजिस्ट्रेट एज ए विटनेस से अक्यूज्ड के सामने बयान रिकॉर्ड करे CRPC के सेक्शन 164-364 के तहत। कंक्लूजन: टू कंक्लूड आई कैन से दैट कानून शहादत ऑर्डर 1984 एक्सप्लेन्स दैट डायरेक्ट एविडेंस इज ओरिजिनल पॉजिटिव बिकॉज इट डिस्क्लोजेज दैट कानून शहादत ऑर्डर डज नॉट गिव वैल्यू टू हेयरसे एविडेंस। हाउएवर डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल अबाउट हेयरसे एविडेंस, देयरफॉर इट इज एडमिसिबल एविडेंस and can be used to convict the accused. नतीजतन मैं ये कह सकती हूँ कि QSO इस बात की वजाहत करता है कि बराह रास्त सबूत असल और मुसबत है, क्योंकि ये इंकशाफ करते हैं
क्यों ऐसों में हैसे की कोई अहमियत नहीं, जब के मरने वाले का बयान भी हैसे में शुमार होता है, क्योंकि मरने वाला तो कोर्ट में बयान देने के लिए एज अ विटनेस पेश नहीं हो सकता, बल्कि वो इंसान एज अ हैसे एविडेंस कोर्ट में पेश हो सकता है जिसने उस मरने वाले का बयान सुना था, और वो हैसे एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा और उसके एविडेंस पर मुल्जिम को सजा भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।